केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की। इस सीट ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से फंसा दिया है। कारण इसका साफ है कि पार्टी ने कुछ समय पूर्व यहां भानु प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। भानु प्रताप को प्रत्याशी ही केवल इस वजह से बनाया गया था कि यहाँ के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं बून में आपस में बहुत खींचतान है, और इस खींचतान को देखते हुए ही भारी प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया। अब दिक्कत ये हो रही है कि वो जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों ने लखनऊ में डेरा डाल दिया है। वो चाहते हैं कि भानु प्रताप सिंह की जगह उनमें से किसी को प्रत्याशी बनाया जाए। मेरठ से शहर विधायक रफीक अंसारी, किठौर से शाहिद मंजूर, योगेश वर्मा, अतुल प्रधान जो कि सरधना से विधायक हैं, ये लोग बराबर कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से इनके या इनके किसी बहुत ही खास को परिवार में उसको टिकट दे दिया जाए भानु प्रताप सिंह को काटकर। अब अखिलेश यादव के सामने ना तो उगले बन रहा है और ना ही निगले बन रहा है कि वो भानु प्रताप सिंह का टिकट काटें या ना काटें। ऐसे में जो एक नया समीकरण बन रहा है मुस्लिमों को लेकर के और दलितों को लेकर के, क्योंकि भानु प्रताप सिंह जरूर दलित समुदाय से आते हैं और ये भानु प्रताप सिंह ईवीएम के कड़े विरोध के चलते एकाएक ही चर्चा में आए थे। भानु प्रताप सिंह का साफ कहना है कि ईवीएम को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पृथ्वी पर बैठे बैठे चंद्रयान को यहाँ से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम को क्यों नहीं किया जा सकता, और जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे तब तक भाजपा को हराना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा उनका कहना है और वो लगातार इस आवाज को उठाते आ रहे हैं। यहाँ पर अब बड़ी दिक्कत इस बात की हो रही है कि पुराने पदाधिकारी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध के चलते ही पिछले दिनों जो महापौर के इलेक्शन हुए उसमें समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। रफीक अंसारी को मनाने के लिए, जो कि मौजूदा शहर विधायक हैं, मेरठ भाजपा बहुल्य सीट मानी जाती है, लेकिन बावजूद इसके शहर विधानसभा सीट से रफीक अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी को हराकर शहर पर अपना कब्जा जमाया। महापौर चुनाव में अतुल प्रधान किसी तरह से अपनी पत्नी को चुनाव मैदान के में उतारने के लिए टिकट पाने में सफल रह गए, जबकि योगेश वर्मा भी इसके लिए बराबर कोशिश कर रहे थे। इसमें खींचतान हुई और सभी जितने भी, चाहे वो रफीक अंसारी हों, शाहिद मंजूर हों, योगेश वर्मा हों, उन्होंने बिल्कुल एक लाइन खींच करके दूरी बना के रखी उनको मनाने के लिए। रोड शो के दौरान अखिलेश यादव रफीक अंसारी के घर पर भी गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके जो इलेक्शन हुआ, चुनाव प्रचार हुआ, उसमें रफीक अंसारी या बाकी लोग कोई भी नजर नहीं आया, और यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर पहुंच गए। यहां पर ओबीसी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने दूसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली, बढ़त बनाई। ऐसे में पार्टी यह बात बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अगर इन चार पांच दिग्गजों को नज़रअंदाज किया गया या इनकी जगह किसी बाहरी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया तो खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी उन्हें उठाना पड़ सकता है। अब भानु प्रताप के साथ जो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि वो दलित से हैं और समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो अधिकांशतः मुस्लिम बेस्ड रहती है, तो ये जो समीकरण बना दलितों का और मुस्लिमों का, तो चांसेस इस बात के बनते हैं कि यह समीकरण काफी भारी साबित होगा अपने दूसरे प्रतिद्वंदियों पर। लेकिन यहाँ पर जो योगेश वर्मा के साथ पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि वो भी दलित समुदाय से हैं, लेकिन वो अब दलित यहाँ के हो गए, भानु प्रताप बाहर के हो गए, बाहरी हो गए, और योगेश वर्मा यहाँ के हो गए। लेकिन योगेश वर्मा के टिकट के साथ भी एक नया पेज फंस गया है। पिछले दिनों योगेश
वर्मा को घेरने के लिए उनके ऊपर 31 मुकदमे दर्ज किए गए और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है कि उन्हें जिला बदर कर दिया जाए। अभी 20 मार्च को इस मामले पर सुनवाई हो रही है और ये मामला पूरा ADME की कोर्ट में या उनके ऑफिस में ये मामला चल रहा है। अब उस पर 2 अप्रैल को कोई डिसीजन आना है। डिसीजन क्या होगा, आइदर उनको जिला बदर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बात का फैसला 2 अप्रैल को होना है। यहाँ पर जो नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि है वो 4 अप्रैल है। अगर ऐसा समाजवादी पार्टी तैयारी करके चल रही है कि अगर नॉमिनेशन से पहले या नॉमिनेशन के बाद योगेश वर्मा को टिकट दिया जाता है तो उधर 2 तारीख को चांसेस इस बात के हैं कि उन्हें जिला बदर कर दिया जाए क्योंकि उनके ऊपर अच्छे खासे मुकदमे दर्ज किए गए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अब हम इसमें क्या करें। उस स्थिति में योगेश वर्मा ने एक नया ऑप्शन रखा है अपनी पत्नी सुनीता वर्मा को आगे करने का। सुनीता वर्मा इससे पहले मेरठ की महापौर रह चुकी हैं इस इलेक्शन से पहले। उस स्थिति में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर जिला बदर योगेश वर्मा होते हैं तो वो हापुड़ से, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट है लेकिन जिला दूसरा है, तो वो हापुड़ से बैठ करके अपनी पत्नी को यहाँ पर चुनाव लड़ाएंगे और यह उनके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा कि उन और एक सिंपैथी गेन करने का भी एक माध्यम बनेगा कि उनको जिला बदल कर दिया गया। तो इस कारण से उनका ऐसा मानना है कि वोटों की संख्या जो उनको मिलने वाली है उस संख्या में एकदम से इजाफा होगा, सिंपैथी मिलेगी। ऐसी स्थिति में अब एकाएक जो नया घटनाक्रम हुआ है वो यहाँ से पूर्व सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना को एकाएक ही लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बुलाया गया। यह एक नए समीकरण का या एक नए राजनीति का एक नया संकेत देने के लिए काफ़ी हो सकता है क्योंकि नॉमिनेशन की डेट बहुत तेजी से आ रही है। 4 अप्रैल को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर नॉमिनेशन होना है, लास्ट तिथि है, तो उससे पहले ही प्रत्याशी घोषित करना होगा। अब किसको करते हैं, हो सकता है कि आज शाम तक ये डिसीजन हो जाए या फिर कल तक, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद मेरठ में आपको यह भी बता देना चाहिए कि करीब 700 गांव हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के अंदर, करीब 700 गांव हैं, उनमें जाकर के जनसंपर्क करना भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। भाजपा ने यहां से रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। बसपा ने यहाँ से देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है और उनका भी सारा समीकरण दलित के साथ साथ त्यागी बिरादरी और कुछ मुस्लिमों का वोट भी, क्योंकि जो आज जैसा नया जो घटनाक्रम हुआ है कि अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई है उसके पीछे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, बिल्कुल साफ साफ कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही है। वो उसको लेकर के तमाम तरह के सोशल मीडिया पर मीम जारी हो रहे हैं और यह है चूँकि जो अतीक अहमद को और उनके भाई को जिस तरह से एनकाउंटर किया गया, जिस तरह से मारे गए, उस पर ही मुस्लिमों के गले ये चीज़ नहीं उतर रही थी। अब जबकि मुख्तार अंसारी को के साथ ये हुआ है तो वो भी एक बड़ा कारण होगा कि मुस्लिम अब ये देखें कि भाजपा को हराने में कौन प्रत्याशी ज़्यादा सक्षम होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो देवव्रत त्यागी भी हो सकते हैं, वो योगेश वर्मा या जो भी, या अवतार सिंह भड़ान, जिसको भी पार्टी इस चुनाव मैदान में उतारती है, तो वो भी ये देखेगी कि भाजपा को हराने में कौन सक्षम है, उसी प्रत्याशी पर मुस्लिम का रुझान हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।